Hello, welcome to the Sumo Biology online classes. The question is about, question is from your NEET 2022 question paper, bio section. May the plant with the kind of life cycle it exhibits, Spirogyra, Fern, Fernaria, Cycas. तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, एल्गा में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स में द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी एंड हैप्लॉइड इन नेचर एंड इट ऑल्टरनेट्स विद डिप्लॉइड प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक दैट गेट इस्टेब्लिश ओवर गैमेटोफाइट इटसेल्फ और मतलब पार्शली डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट पे। उसके बाद टेरिडोफाइट्स आपके हिट्रोस्पोरस होमोस्पोरस, तो टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड है और जो होमोस्पोरस आपके टेरिडोफाइट है उसमें हार्ट शेप प्रोथैलस बनेगा जो फ्री लिविंग होगा, रिड्यूस होगा। उसके बाद आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूज होता है। अब हमको इतनी मार जानकारी के बाद वी कैन क्रैक द क्वेश्चन। क्वेश्चन से स्पाइरोगेरा, सो स्पाइरोगेरा गोज विद डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डोमिनेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है और हैप्लॉइड और डिप्लॉयड क्या है, अगर ये टर्म आप नहीं जानते हो तो भैया मुश्किल वाली बात है। मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो देख लेंगे, मैंने डाले हैं लेक्चर। व्हाट इज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इज दैट प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमीट एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज दैट विच बियर्स स्पोरेंजिया एंड इनसाइड स्पोरेंजिया स्पोर्स आर प्रोड्यूस। ये तो हो गया आपका गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्पोरोफाइट का कहिए कि डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड, हैप्लॉइड सेल इज दैट विच कंटेन सिंगल जीनोम, अ जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, वेयर इज डिप्लॉयड सेल इज दैट और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज दैट विच पजेस टू जीनोम, अ जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम विच वी इनहेरिटेड फ्रॉम अवर मदर और फादर, किसी का भी एक पूरा सेट। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब स्पाइरोगेरा के अपोजिट आप लिख लो, स्पाइरोगेरा के अपोजिट आप लिखोगे ऑप्शन नंबर टू, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फर्न के साथ क्या लिखेंगे, फर्न के साथ हम लिखेंगे डिप्लॉयड, हमारी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, प्रोथैलस बनाएगी, तो टू के अपोजिट आप लिख लीजिए थ्री। फ्यूनेरिया के अगेंस्ट क्या लिखेंगे कि मेन प्लांट बॉडी हमारी गैमेटोफिटिक है लेकिन वो पार्शली उस पर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट भी होगा, तो ये आपका हो गया डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट ऑल्टरनेटिव पार्शली डिपेंडेंट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। इसके अपोजिट आ जाएगा फोर, टू थ्री फोर डी वन, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट, यू शुड गो विद इट। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू।